हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 35। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई था उसका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आज के सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए सिनेमा हॉल हैज़ इतना सीट्स, 450, इतना सीट्स है एक सिनेमा हॉल में। इतना सीट्स वेयर ऑक्यूपाइड इन ए शो, एक शो के दौरान इतना सीट फुलफिल हो गया। तो इतना जो है ये इसका है, इसका पार्ट है। हाउ मेनी पीपुल वॉच द मूवी, तो इसका अगर हम इससे निकालते हैं मल्टीप्लाई करके तो कितना पीपुल देख रहा है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी सीट्स वेयर वैकेंट, तो कितना सीट खाली रह गया, जब वो पता चल जाए कि इतना आदमी भरा हुआ है तो अगर उसको हम इससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना सीट खाली है। तो ये मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। 10 नंबर यहाँ पे लेते हैं, टोटल सीट कितना है जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। टोटल सीट्स, टोटल सीट्स हो गया 450, और भरा हुआ सीट मतलब ऑक्यूपाइड जो दिया हुआ है, ऑक्यूपाइड सीट, सीट्स कितना भरा हुआ है, 4 बाय 5, तो 4 बाय 5 इसका है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं ऑफ 450 इसका है। तो नंबर ऑफ पीपल जो सीट भरा हुआ है उतना ही लोग भी हैं, तो नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 450, 5 से ये कट जाएगा, कितने बार में गया, 15 तीय 45, नहीं ये नहीं जा रहा है, तो 9 बार में जा रहा है, 5 9 जा 45 हो गया, और इस पर एक जीरो लगा देते हैं, इतने बार में ये चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 9 4 जा 36 हो गया, तो 36 पे एक जीरो। इतना पीपुल जो है अभी वहाँ पर प्रजेंट है, मतलब इतना सीट भरा हुआ है, इतना पीपुल इतना लोग वहाँ पर वॉच कर रहा है, एक ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कितना खाली है, वैकेंट सीट, तो यहाँ पे वैकेंट सीट इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। टोटल सीट्स में से टोटल मेरे पास है इतना, और उसमें से इतना माइनस कर दिए 60, तो बच गया 90 सीट्स बच जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ जीरो हो गया, और यहाँ 15 6, तो 9 6 15 होता है, तो यहाँ पे 9 हो गया और ये 3 कट गया, तो मतलब इतना सीट्स खाली है, ये आंसर हो गया, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ नहीं है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, 11 नंबर का। 500 स्टूडेंट्स सेट फॉर ए कॉम्पिटिटिव, 500 स्टूडेंट एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, इतना ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ट, उसमें से टोटल स्टूडेंट 500 है, उसमें से इतना स्टूडेंट पास हो जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर नॉट सक्सेसफुल, तो जितना पास हो गए, तो जितना पास हुए उसको 500 से अगर माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हुए, फेल हुए। तो ये काफ़ी आसान है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल अपियरिंग स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम कंपटीशन में बैठे हुए हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अपियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू 500 है। अब उसमें से पास स्टूडेंट कितने हैं, तो पास स्टूडेंट्स तो इस फ्रैक्शन में दिया हुआ है 9 बाय 10, तो 9 बाय 10 जो है वो इसका 9 बाय 10 हो गया ऑफ 500, तो फिर नंबर ऑफ पास स्टूडेंट हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 500 हो गया, तो ये कट गया, यहाँ से यहाँ काट दिए, तो यहाँ पे 50 हो गया, और यहाँ पे 9, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो गया, 45 पे एक जीरो आ गया, तो इतने स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, स्टूडेंट्स पास हो गए। तो फिर आगे पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स फेल किए, तो फेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, तो यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल इतना है 500 माइनस जो पास हुए उसको माइनस कर देते हैं, इतना हो गया, तो बस कितना गया 50 स्टूडेंट्स, तो इतने स्टूडेंट्स फेल हुए, तो ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसको पहले पढ़ के ठीक से समझना होगा। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 to 10 इन ये स्कूल आर बॉयज, एक स्कूल के 1 से 10 क्लास तक जो बच्चे हैं 1/3 बॉयज हैं, बाकी सब गर्ल होंगे, तो 1/3 बॉयज है उसमें, और 3/4 ऑफ दिस आर इन क्लासेस 1 to 8
और उसमें से 3/4 जितने भी लड़के हैं उसमें से 3/4 1 to 8 क्लास में हैं। वट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 1 to 8 आर बॉयज, तो फिर 1 to 8 क्लास में कितने बॉयज स्टडी कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन बतलाना है। तो आइए मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और टोटल बॉयज, टोटल बॉयज इन क्लासेस 1 to 10 कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, तो मतलब 2/3। उसके बाद बॉयज इन क्लासेस, इन क्लासेस 1 to 8 दिया हुआ है, 8, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, तो 3/4, तो टोटल बॉयज स्टूडेंट जो है इतना ही है। तो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 इसका हो जाएगा, 3/4 ऑफ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफ 2/3 इसका। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3/4 इनटू ऑफ का मतलब इनटू हो गया, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे जो कटता है उसको काट लेते हैं, 3 × 1 = 3 ये कट गया, और 2 × 2 = 4 ये हो गया, ऊपर में 1 बच गया, इसका मतलब है कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं बॉयज फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलना होगा।